मैं कुमारी रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मसाला। रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं इसको। इसके लिए मैंने 1/2 kg बोन्स के साथ मटन लिया है। आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। ये चाहिए होगा, नॉर्मल पीसेस करवा लिए उसके मैंने, और उसको मैंने तकरीबन 6 घंटे पहले 1 teaspoon मीट टेंडराइजर डाल के रख लिया था। 3 medium size के प्याज चाहिए होंगे हमें। 2 teaspoon के करीब गरम मसाला है ये मेरा होममेड। 2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon हमें चाहिए होगी हल्दी, 1 tablespoon हमें चाहिए होगी कसूरी मेथी, 1 tablespoon धनिया पाउडर चाहिए होगा, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 2 tablespoon हमें टमाटो पेस्ट चाहिए होगा। अगर आपके पास ना हो तो आप 4 से 5 टमाटो को ब्लेंड कर लें। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 tablespoon जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ऑयल 1/2 cup यूज होगा इसके अंदर। पानी हमें चाहिए होगा एज रिक्वायर्ड, और फ्रेश धनिया और ग्रीन चिलीज चाहिए होंगे हमें इसको लास्ट में गार्निशिंग के लिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल में आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कोशिश करें कि प्याज को आप चॉप कर लें, ताकि हमारा अच्छा सा मसाला मटन का जो है वो रेडी हो। सॉल्ट आप इसमें ऐड कर लें, ताकि प्याज ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाती है। अगर आप प्याज को ब्राउन करते हुए उसमें नमक ऐड कर दें तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएगा, फिर उसके अंदर आपने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल लेना है, और साथ साथ ही फ्राई करते जाना है। ये हो गया, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है टमाटो पेस्ट। याद है कि अगर आप दूसरे नॉर्मल टमाटर यूज कर रहे हैं तो वो जाहिर है थोड़ा सा पानी होगा उसमें, तो आप उसको हाई फ्लेम पर पानी को उसको ड्राई कर लीजिएगा। टमाटो पेस्ट है ऑलरेडी, इसका पानी जो है ड्राई किया हुआ होता है। साथ साथ आपने इसको डालकर भूनते जाना है। टमाटो पेस्ट जो होता है इसका कलर बहुत अच्छा आता है मटन मसाला में। रेस्टोरेंट में अक्सर आप कहें तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, तो टमाटो पेस्ट की वजह से आता है डार्क कलर। ये देखिए, लो टू मीडियम पे मैंने रखा हुआ है। फिर इसमें आप मसाले डालने, सारे गरम मसाला, हल्दी, सूख मिर्च पाउडर डाल लें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज्यादा कर सकते हैं आप इसको। धनिया पाउडर अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लें। भून लें आप तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर आपने इसमें मटन डालकर इसको अच्छे से भून लिया। मीट टेंडराइजर लगाकर मैंने 6 घंटे पहले रखा था मटन को। अगर आपने रात में बनाना हो तो आप इसको दोपहर में लगाकर तो रख लें। इसके बाद कसूरी मेथी मैंने डाली है, और उसको साथ साथ ही भूनती जा रही हूँ मैं। ये देखें, 10 से 15 मिनट मैंने इसको मजीद भूना है, ताकि जो मटन है उसकी स्मेल खत्म हो जाए। फिर इसके बाद आपने इतना पानी डालना है, मैं 2 glass पानी फिलहाल डाल रही हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे, जिसमें हमारा मटन जो है इंशाल्लाह गल जाएगा। बिल्कुल आपने टेंडर कर लेना है मटन को। तकरीबन 1/2 घंटा लग जाएगा आपका, तो इंशाल्लाह आपका मटन गल जाएगा। ये देखिए, 1/2 घंटा लगा है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है और हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पे आपने इसमें डालनी है फ्रेश ग्रीन चिलीज, और धनिया आप इसमें ऐड करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, आप इसमें ही डालें। और इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम दे देना है धनिया और हरी मिर्चों के साथ, और हमारा मटन मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप लोग जरूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाएं जरूर। एंड प्लीज दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।